प्रतिरोध खड़ा करेंगे। शहद उत्पादक जिंदाबाद। लगातार जो इनपुट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब सरकार जो है ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से सरकार जो है वो अपने हाथ पीछे खींच रही है। थाउजेंड्स ऑफ ट्रक फुल ऑफ एप्पल कुड नॉट मूव एंड अबाउट 10,000 क्रोर्स मनी वाज लॉस्ट बाय एप्पल ग्रोअर। उस आज 200 से उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है सर। और हमारे जंगल की, हम लोग तो जंगली जमीन पहाड़ों पर रहते हैं, आज गवर्नमेंट वो हमसे छीन रही है तो हम कहाँ जाएंगे। नमस्कार, न्यूज क्लिप में आपका स्वागत है। मैं हूँ मुकुंद और अभी हम मौजूद है देश की संसद से कुछ सौ मीटर दूर जंतर मंतर पर, जहाँ पहाड़ी राज्य के सेल उत्पादक किसान हिमाचल जम्मू कश्मीर उत्तराखंड से किसान यहाँ पहुँचे हैं। और पिछले 2-3 साल से जिस तरह से सेब के बागवानी पर संकट आया है और सेब का जो उत्पादन था उस पर जो किसानों पर जो जिस तरह से नुकसान मौसम का नुकसान हुआ या मार्केट के जिस तरह से उनके मोल भाव या उनका जो फसल का भाव है वो नहीं मिल पाने से किसान परेशान हुए, इन्हीं मांगों को लेकर और सरकार से ये बताना चाहते हैं किस तकलीफ में ये है उससे उबारने के लिए और सरकार उनके राहत के लिए कोई कदम उठाए, नीति बनाए, इसकी मांग को लेकर ये लोग दिल्ली पहुंचे हैं। और इनसे बात करके समझने का प्रयास करेंगे ये आज क्यों आए हैं और इनकी मुख्य मांगें क्या हैं और केंद्र सरकार से ये क्या बताने के लिए आए हैं। और यहाँ ध्यान रखने की बात जरूरी है, जो कल 5 अप्रैल के दिन भी किसान मजदूर देश भर के अलग अलग इनके साथ साथ अलग अलग राज्यों के किसान अपनी मांगों को बुलंद करने दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। आज मेन डिमांड है ये जो लैंड से इविक्शन जो है सरकार कर रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी राज्यों में जो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 के बाद इन टेटो लागू कर दिया, उसमें जो लोगों के राइट्स थे वो जो है छीन लिए गए हैं। तो आज हम मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि ये जो इन क्षेत्रों के अंदर जो है जो लोगों के कब्जे की जमीन है और जो जिन लोगों के पास जमीन नहीं है वो जमीन जो है केंद्र सरकार उसमें दे और FCA जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जिसके तहत ये रोक है उस पर जो है वो छूट जो है इन राज्यों को। दूसरी हमारी मांग है, आप देख रहे हैं बहुत सा सेब, ये जो खुला व्यापार खुला बाजार की नीति जो सरकार की है इससे बहुत सा सेब जो है वो इंपोर्ट हो रहा है और करीब 44 देशों से जो है ये सेब आता है और उसमें हमारी मांग ये है क्योंकि अभी 50% उसमें इंपोर्ट ड्यूटी है और कई जगह तो जो FTA है जैसे अफगानिस्तान के साथ है तो ईरान से बहुत सा सेब जो है ईरान से टर्की से वाया अफगानिस्तान आ रहा है जिसमें ड्यूटी नहीं है। तो हम मांग कर रहे हैं कि मिनिमम जो है 100% इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो सेब के अंदर जो है वो की जाए ताकि हमारी जो इंडिजिनस जो मांग है वो जो है यहाँ पर जो किसान है बागवान है जो सेब पैदा करता है उसकी जो है खेती को बचाया जा सके। अन्यथा आप देख रहे हैं लास्ट 2 ईयर्स में ईरान और टर्की से जो सेब आया था उसने पूरे तरीके से जो स्टोर का सेब है कश्मीर का हिमाचल प्रदेश का वो जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था क्योंकि इस बारी जो है कुछ ट्रेड कर इश्यूज को लेकर या टर्की में जो भूकंप आया था उसको लेकर जो है ट्रेड नहीं हुआ तो इस बारी सेब ईरान और टर्की से कम आया तो लोगों को जो है थोड़ा अच्छा बेहतर प्राइस जो है वो मिला है। एक फसल हमारी साल में होती है और इसमें क्या है लगातार जो इनपुट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रही है, चाहे वो पेस्टिसाइड है इंसेक्टिसाइड्स है दूसरा फर्टिलाइजर्स है और प्रूनिंग है प्लकिंग है पैकिंग है ट्रांसपोर्टेशन है, लगातार जो कॉस्ट है एस्केलेट की है। पीछे जो गवर्नमेंट थी स्टेट गवर्नमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट थी हमारी मदद करती थी, हमको फर्टिलाइजर पर भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब सरकार जो है ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से सरकार जो है वो अपने हाथ पीछे खींच रही है जिसकी वजह से हमारा जो ये बिजनेस है हमारा जो ये एप्पल इकोनॉमी है ये घाटे का सौदा होगी। एक्चुअली क्या है कि हम दिल्ली आए अपने सेब के बका के लिए, सेब के उत्पादक को बचाने के लिए, इतना नहीं कि हम किसी सरकार या किसी अवामी तहरीक या किसी भी से हम भीख मांगते हैं बल्कि उन्हें चेतावनी देने आए हैं कि जो हाल आज हमारा हुआ कश्मीर में सरकार की नाकस पॉलिसियों की वजह से वही हशर काल आपका भी होने वाला है, इसलिए मेहरबानी करके जाग जाओ, एक साथ मिलकर सरकार की नीतियों को बदलने के लिए जदोजहद करो। हमारा देश में किसान बहुत सारी चीज़ पैदा करता है, जैसा फसल पैदा करता है ऐसा फ्रूट भी पैदा करते हैं मसाला भी पैदा करते हैं। तो फ्रूट किसान जो है जो एप्पल पैदा करता है जो कॉफ़ी पैदा करता है ये सब जो किसान है वो भी उसका फसल का दाम नहीं मिल रहा है,
और कश्मीर फसल, कश्मीर का फसल का कश्मीरी होने के कारण उसको साथ बहुत गद्दारी होता है। जब कश्मीर का 370 धारा खत्म किया था तो क्या हुआ था, तब थाउजेंड्स ऑफ ट्रक फुल ऑफ एप्पल कुड नॉट मूव एंड अबाउट 10,000 क्रोर्स मनी वॉज लॉस्ट बाई एप्पल ग्रोअर बिकॉज दे आर मुस्लिम, बिकॉज दे आर कश्मीरी, दे आर बींग पनिश्ड इन दिस वे बाय द बीजेपी कम्युनल फैसिस्ट गवर्नमेंट। तो दैट इज गोइंग ऑन। जब तक जमीन से जो पैदावार है उसका दाम निर्धारित नहीं होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिद्धांत क्या होगा, नियम क्या होगा, उसका नियम होगा जो डॉक्टर स्वामीनाथन का फॉर्मूला था, वो फॉर्मूले के आधार पर लागत प्लस 50% प्रॉफिट जब तक नहीं होगा तो मैं समझता हूँ खेती को या सेब को संकट से बाहर नहीं लाया जा सकता है। इसलिए हम आज दिल्ली आए हैं भारत सरकार को चताने के लिए कि हम भी इस देश के निवासी हैं, ये देश के अंदर एक जमीन का टुकड़ा हमारा भी होना चाहिए, लेकिन आप सब कुछ अडानी और अबानी के हवाले करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और इसलिए ये प्रदर्शन चल रहा है। जो इस समय दुनिया के अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या चाइना से जो अन्य देशों से सेब आता है उसकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे जैसे प्रधानमंत्री ने 2014 से लेकर कई बार यह आश्वासन दिया है कि उसे डबल किया जाएगा, वो आज तक नहीं किया गया कि उसको कम से कम 100% अगर इंपोर्ट ड्यूटी होगी तो इस देश का बागवान जिसे बहुत कम सब्सिडी मिलती है वो मार्केट में कम्पीट कर पाएगा। मैं आज हमने किसान जो यहाँ पर आए दिल्ली में एप्पल ग्रोवर्स इसलिए आए हैं कि हमारे जो एप्पल बनते हैं कश्मीर में चाहे जम्मू में जो भी बनता है फल उसका हमें बाज़ाब्ता रेट नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। जैसे पिछले साल हमारे बम्पर क्रॉप हुआ था कश्मीर में एप्पल का, लेकिन बदकिस्मती से हाईवे को बंद कर दिया गया है, 10-15 दिन हाईवे बंद रहा, जो माल था ट्रकों में लद के भरा था सरकार की तरफ से या प्राइवेट की तरफ से अपने किसानों ने ट्रकें खड़ी की थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उसमें इंतज़ाम नहीं हुआ क्या, अगर हाईवे बंद रहा 10 दिन उसका कुछ उपाय सोचे, तो उसकी वजह से जो रास्ता बंद कर दिया गया तो जो सारा एप्पल था ट्रकों में लाद के था वो पूरा खराब हो गया है। इसी तरह हमें उसका रेट जो वहाँ पर मतलब फसल हो रहा है चाहे एप्पल हो कुछ भी एप्रिकॉट हो या प्लम हो कुछ भी हो उसका सही दाम नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से हम यहाँ दिल्ली पर दिल्ली में आए हैं एहतजाज करने के लिए सरकार को जगाने के लिए कि हमारा जो एक किसान जो काम करता है खेती बाड़ी करता है उसको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे बाहर के स्टेटों में भी चाहे कोई प्याज कमाता हो, कोई टमाटर कमाता हो, कोई दूध मतलब दूध रखता हो, लेकिन उसका भरपूर मुआवजा नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। इन बदले में सरकार ने क्या कारपोरेट्स के साथ जुड़ के बाहर के देशों से सेब मंगवा रहे हैं, नाशपाती मंगवा रहे हैं, जो हमारा क्रॉप है वो बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। केंद्र की सरकार ने अभी ये जो मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है इसने जो पिछले साल मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में जो बजट था उसके लिए केंद्र सरकार ने वो 1,500 करोड़ 1,500 करोड़ का, और इस बारी मात्र टोकन मनी रखा गया है 1,00,000 रुपए का। मतलब सरकार जो है एक तरफ किसान बागवान मांग कर रहा है कि उसको जो है जो स्वामीनाथन फार्मूला है C2+50% वो कर रही है, दूसरी तरफ जो छोटा मोटा मदद मिल भी रही है सरकार से केंद्र सरकार ने उसको कहा है। तो हम आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से दिल्ली में केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है इसको जो है इन टोटलिटी लागू किया जाए। देखो खाली सेब ही नहीं है, उसमें अखरोट भी हैं, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल और तहसील कंगन जो है इसमें तो ज़्यादा अखरोट बिकते हैं, हमारी अखरोटों की पैदावार ज़्यादा है। उस आज दो साल से उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है सर, और हमारे जंगल की हम लोग तो जंगली ज़मीन पहाड़ों पर रहते हैं, आज गवर्नमेंट वो हमसे छीन रही है तो हम कहाँ जाएंगे।